रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। G20 दीपों से जगमगाएंगे गंगा घाट, तुलसी माला से होगा मेहमानों का स्वागत, ये अद्भुत नजारा किया जाएगा पेश। रुद्रपुर में शराब के नशे में बेटे ने धारदार हथियार से वार कर पिता को उतारा मौत के घाट, हादसा देख कांपे परिजन। उत्तराखंड नर्सिंग रिक्रूटमेंट, मुख्यमंत्री धामी ने कहा फर्जी निवास बनाकर आवेदन करने वालों की होगी जांच। उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक से 48 घंटे पहले मिलेगा मंत्रियों को एजेंडा, शिकायत पर सीएम ने जारी किए निर्देश। अब खबर विस्तार से। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां खटीमा तहसील के तहसीलदार द्वारा वसूली के नाम पर शुभम टाइल की दुकान को सील कर दिया गया है। वही सुगम ट्रेडिंग कंपनी की माली गीता देवी का कहना है कि जिस वसूली के नाम पर मेरा व्यवसाय बंद कर दिया गया है, मेरी ट्रेडिंग कंपनी को सील लगाया गया है और जिनका मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है, जिनका मेरी ट्रेडिंग कंपनी से एक कर्मचारी एक तौर पर नाता है, मेरे बताने के पश्चात भी मेरी एक नहीं सुनी गई है और मेरी ट्रेडिंग कंपनी को तहसीलदार द्वारा सील कर दिया गया है। करीबन 5,32,000 रुपए की आरसी हमें प्राप्त हुई थी दिसंबर माह में और लगातार इनके साथ संपर्क किया जा रहा था। इनसे कहा गया था कि ऐसा समय इसका जो धनराशि है वो जमा कर दें, पर इनके द्वारा कोई भी धनराशि हमारे पास जमा नहीं की गई, जिसमें वसूली प्रक्रिया के तहत हमारे द्वारा इनकी दुकान को अब सील कर दिया गया और आगे कुड़की की कार्रवाई इसमें की जाएगी। वो न्यायालय देखी एक आरसी थी जो हमें सिविल कोर्ट खटीमा से प्राप्त। प्रॉपर्टी की मालिक मैं हूँ, केस सत्यम के नाम से दर्ज है, जबकि केस हाई कोर्ट में दर्ज किया हुआ है और विचाराधीन है, वहाँ हमने गुहार लगा रखी है। वहाँ मेरी प्रॉपर्टी को किस बेस पर सीज किया गया है मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ। मेरे पति 2 साल से मानसिक पेशेंट हो चुके हैं इसी केस के कारण, पूरा परिवार मेरा अस्त व्यस्त हो चुका है, कारोबार पूरा चौपट हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है। मैं मैडम से कारण जानना चाहती हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी को किस बेस पर सीज किया गया है। अगर मैडम ने मेरी प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी नहीं खोला गया तो मैं मैडम के ऊपर मानहानि का केस दर्ज करती हूँ। और मैं गीता देवी, शुभम टायर्स रिटेडिंग कंपनी की मालिक हूँ, मेरी कंपनी को नाजायज सील किया गया है। मैं सरकार से गुहार लगाना चाहती हूँ कि किस बेस पर मैडम ने मेरी कंपनी को सीज किया है, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरे वर्कर परेशान हैं, मेरा कारोबार ठप हो चुका है, उसमें मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, 3 दिन हो गए आज, कंपनी ओनर भी मैं हूँ। लालकुआ, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी किन्नर समाज ने क्षेत्र की खुशहाली, तरक्की, आपसी सौंदर्य और बेहतर स्वास्थ्य की कामना को लेकर आज श्री शिव बगनाथ मंदिर में पुरंत चंद्र की मौजूदगी में हवन और कन्या पूजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां प्रस्तुति की गई। ये शिव बागनाथ मंदिर पे मैं भंडारा करवा रही हूँ, करवाती हूँ हर साल, मतलब अब भी करवा रही हूँ। विशाल भंडारा हो रहा है यहाँ पे, हजारों के साथ संख्या के लोग आए हुए हैं भंडारा खाने। और परमात्मा से ये कहती हूँ कि माता जी सबको खुश रखे, परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं आए और सब ठीक ठाक रहे, भले फूले सबके बच्चे जीते रहे, जिनकी जो दिल की तमन्ना है माता रानी वो पूरी करे। मैं 7-8 साल से करती चली आ रही हूँ। मैं पहले अपने जहाँ पे मैं रहती थी सनी बाज़ार, वहाँ पे भी करवाती थी और किशनपुर चौराहा वहाँ पे भी करवाती थी और मैं अब यहाँ पर करवाती हूँ, भंडारे भी करती हूँ, जान भी करती हूँ, गरीब लड़की की शादी में सहयोग भी करती हूँ, जो मुझसे हो सकता है वो मैं करती हूँ, जो मेरे पास आता है तो उसकी सुनती भी हूँ और उसके साथ भी खड़ी होती हूँ। पहाड़ों की रानी मसूरी में पहली बार गणेश सेवा समिति के द्वारा खाटू श्याम जी की निशान यात्रा मंदिर से सनातन धर्म मंदिर तक निकाली गई। यात्रा में आसपास के गांव सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा के दौरान जगह जगह पुष्प और गुलाल की वर्षा कर पूरा नगर श्याम के रंग में रंग गया। देर शाम तक सनातन धर्म मंदिर में श्याम मेहंदी और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। ये ठाकुर श्याम जी का प्रोग्राम बड़े धूमधाम से कई दफे मंदिर में मनाया गया, जिसका प्रधान अरुण कुमार वर्मा, मंत्री संदीप करोलिया,
जैसे अनुराग रस्तोगी जी हैं, इनके समझने से बाकी सब मेंबर अपने हैं। मसूरी में पहली दफे ये प्रोग्राम हुए बाबा के दरबार पे। एकादशी का एक बहुत बड़ा महत्व है खाटू श्याम जी के, उसमें इसी दिन जो है पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से एकादशी त्यौहार मनाया जाता है, फागुन की एकादशी। इस दिन जो है बाबा ने शीश का दान दिया था और उसी के मद्देनजर जो है आज भी जो हमने ये प्रोग्राम मसूरी में पहली बार, बहुत समय से इच्छा थी कि बाबा श्याम का ये कार्यक्रम मसूरी में आयोजित किया जाए, आज हमें मौका मिला इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित करने का। मैं अपने सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर इस कार्यक्रम को आयोजन करने में रात दिन एक मेहनत करके जो है हमारा कार्यक्रम सफल बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, हम हर साल जो है इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। सभी सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सहयोग से हम इस सफल कार्य को हमको कराने में सफल हो पाए। उसके साथ ही मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जनता का जो यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर आ पाई है उनके सभी का अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे लिए समय दिया। बाकी आप यहाँ की एक छोटी सी एक सोच थी जिसको हमने प्रथम वर्ष में अपनाया और मसूरी में पहली बार बाबा खाटू श्याम बाबा की एक चौकी का आयोजन किया। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, अगर इसी प्रकार का मसूरी वासियों का सभी का सहयोग और मेरे साथियों का सभी का सहयोग मिला तो हम इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ा चढ़ाकर करते रहेंगे। पौड़ी में अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही अंकिता भंडारी की माँ सोनी भंडारी बीते 5 माह से उन्हें न्याय न मिलने के कारण हताश है। वही अंकिता भंडारी की माँ ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर कहा कि उन परिवारों से कई समस्याओं से इन दिनों जूझ रहा है। उनके पति का हाल ही में हर्निया का ऑपरेशन हुआ है जिस कारण उनकी तबीयत बार बार बिगड़ रही है, वहीं डॉक्टर परिवार की सुध तक नहीं ले रही है। वहीं उनके बेटे की सीए की पढ़ाई छूट गई है। सरकार ने उन्हें 5 माह पूर्व उनके बेटे को नौकरी देने का आश्वासन दिया था जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। उनके जो अंकिता भंडारी की माताजी अपने बेटे के जॉब के लिए जो बात कर रही थी तो उस संबंध में हम लोगों ने उनके बेटे से बात करते हुए TSDC में आर्टिकलशिप सी आर्टिकलशिप के लिए जिसमें 15,000 का स्टाइपेंड का के प्रावधान है वो सारी मतलब उससे संबंधित कॉल लेटर उस बच्चे को मिल भी चुका है और हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार की जो मदद हो उसके लिए हम ट्राई करें। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि उन्होंने हमसे CM धामी जी ने हमसे वादा किया था, मेरे पति से भी कि जब मेरे बेटे की अंत्येष्टि की थी तो उन्होंने कहा था कि आप जो मांग रखोगे हम पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी मांग पे हमारे मतलब 5 महीने हो गए, हम दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, कभी नैनीताल भाग रहे तो कभी कहीं भाग रहे कभी कहीं भाग रहे, अभी तक हमें मतलब कोई मतलब न्याय नहीं मिला, न्याय की उम्मीद तो दूर। उन्होंने ये भी कहा था कि परिवार को एक सदस्य पर नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी तक आप देख ही रहे हो आज इसी विषय पे मैं यहाँ आई हूँ। चंपावत के थाना बनबसा क्षेत्र से एक नाबालिग बालक 5 माह पूर्व बिना बताए घर से लापता हो गया था। परिजनों द्वारा काफी तलाश करने के उपरांत भी जब उसका कहीं पता नहीं चल पाया तो परिजनों द्वारा थाना बनबसा में इसकी सूचना दी गई। उक्त संबंध में तत्काल थाना बनबसा में FIR और पंजीकृत कर गुमशुदा की बरामदगी के लिए पुलिस टीम का गठन कर क्षेत्र के लोगों से व्यापक पूछताछ और सतत चेकिंग चलाया गया। क्षेत्र के सभी मुख्य स्थानों की CCTV फुटेज का और मोबाइल सर्विलांस की मदद भी ली गई। बनबसा पुलिस SOG और एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट के संयुक्त प्रयासों के उपरांत उक्त नाबालिग गुमशुदा का उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद क्षेत्र में होना प्रकाश में आने पर पुलिस टीम द्वारा उक्त गुमशुदा को फारुखाबाद के एक होटल में काम करते हुए सकुशल बरामद किया गया। गुमशुदा को बरामद किए जाने पर परिजनों द्वारा राहत की सांस लेते हुए पुलिस को आभार व्यक्त किया गया। साथ ही उक्त प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पत्रकार संगठन चंपावत द्वारा भी पुलिस की सराहना की गई। ये पिछले वर्ष 20 अक्टूबर को हमारे जो स्थानीय पत्रकार हैं कुंदन बिष्ट, उनके पुत्र प्रशांत बिष्ट जिसकी उम्र लगभग 14-15 वर्ष थी, वो बिना बताए घर से कहीं चले गए। उसके बाद से लगातार हमारी पुलिस की टीम इस पे काम कर रही थी बट हमें सफलता नहीं मिल पाती और पिछले दिनों में हमको कुछ ऐसे लीड मिली सोशल मीडिया के थ्रू और अन्य माध्यमों से जिसपे हमारी टीम ने हमारे थाने मसा की टीम ने SOG की टीम ने और साथ ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिक टीम इन सभी ने मिलकर कुछ काम किया और इस पे फिर हमको लीड मिली कि वो बच्चा फर्रुखाबाद में है और यहाँ से हमारी टीम गई और उसको सकुशल बरामद लेके आई।
इसमें हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो हमारी पुलिस टीम थी उसके लिए 2500 रुपये का। बहुत सुखद क्षण है मेरे लिए आज। मैं पूरे चंपावत पुलिस SOG एंटी वुमन और स्पेशली हमारे थानाध्यक्ष रघुवान जी का बहुत आभार जताता हूँ जिन्होंने अपनी कुशल रणनीति से और बहुत मेहनत से जो है मेरे बेटे को जो है सकुशल आज मेरे हमसे मिलाया है। इसके लिए मैं पूरी पुलिस टीम को तहे दिल से आभार जताता हूँ। साथ में मुख्यमंत्री जी का भी आभार जताता हूँ जिन्होंने जो है इसको अपने प्रायोरिटी में लिया। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा के दिया गौशाला के पास से खनन माफिया द्वारा दिन दहाड़े लगातार खटीमा क्षेत्र में सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि खटीमा जनजाति के थारू विकास भवन में मट्टी भरा के लिए थारू महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा 200 धन मीटर की मिट्टी भराई की अनुमति प्राप्त की गई थी और 200 धन मीटर मिट्टी थारू विकास भवन में डाली जानी थी, जहाँ पर 4 तारीख को थारू जनजाति अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का होना सुनिश्चित हुआ है, लेकिन खनन माफिया द्वारा थारू विकास भवन में मिट्टी ना डालकर क्षेत्र में कई जगहों पर मकानों के बुनियाद भरने का कार्य किया जा रहा है। मेरे ख्याल 20-25 ट्रॉली तो पड़ी होंगी। अच्छा, ये मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि उन्होंने उठाई या किसी और ने उठाई, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। हमने तो कहा था 250 ट्रॉली पड़नी है, यहाँ 2 बीघा जमीन है, करीब करीब 2.5 फीट गड्ढा है, करीब करीब उसमें पड़नी थी वही। अभी मेरे ख्याल से तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 पड़ी होंगी। मैं तो अपने नियमित गश्त पर निकल रहा था, यहाँ पे एक ट्रैक्टर द्वारा किसी गाड़ी वाले को ठोक रखा था यहाँ। तो गांव वाले आए, मैं भी इत्तेफाक से उधर से आया, तो वो बोलते हैं कि ये 100-200 ट्रैक्टर यहाँ से निकल गए हैं आज के दिन में। तो मैंने कहा कहाँ से निकले हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जनता ने मेरी गाड़ी रोक दी, बोला कल से हम भी गाड़ी ले जाएंगे, हमें आप नहीं रोकेंगे। तो मैंने यही कहा कि भाई वन विभाग की है जमीन या क्या है, पटवारी जी मौके पर आए, वो कह रहे हैं कि वन विभाग से इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उन्होंने परमिशन दे रखा होगा। मैं जनता से भी यही अनुरोध करूंगा कि अब आप उनसे संपर्क करके किस रूप से कैसे लिया जा रहा है उसकी जानकारी वो राजस्व विभाग से ले लें। पटवारी जी ने स्पष्ट ये कह दिया कि आपको कोई लेना देना नहीं है, हमारी जमीन है, 200 घन मीटर बता रहे। और यहाँ अब मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, मैंने तो देखा नहीं, मैं तो ये आपस में लड़ गए, मैं भी इत्तेफाक से अपने। राजधानी देहरादून के राजभवन में अगले 3 दिनों तक चलने वाली बसंत उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सूबे के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं प्रदेश के 13 जनपदों से उद्यान विभाग की तरफ से लगभग 150 से ज्यादा अलग प्रजाति के पुष्पों की प्रदर्शनी लगाई गई और साथ ही अन्य विभागों और स्वयं सहायता समूह के स्टॉल भी लगाए गए। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।